Good morning, students. How are you? Hope you are doing well and staying at home. You are safe and sound, and also you have going through the videos and you have completed your homework. I believe you have done all the homework. If not, please do complete your homework. And welcome to the 19th day of our online classes. आई बिलीव यू हैव गॉन थ्रू द लास्ट वीडियो एंड वॉट वी हैव कम्प्लीटेड. मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों ने जो पहले के वीडियोज़ हैं उनको देखे होंगे. और हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था दो दिन पहले. हम ऑलरेडी दो दिन उस पर पढ़ चुके हैं, दो टाइम पीरियड में उसको पढ़ चुके हैं, है ना. तो मोमेंट्स का हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, द लॉस्ट चाइल्ड. और मैं मानता हूँ कि आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने आगे का भी पढ़ लिया होगा. मगर मैं वीडियो जब मैं YouTube में देख रहा था तक, तो मेरे को लगता है बहुत से बच्चों ने उसको अभी तक देखा ही नहीं. सिर्फ यही वाले वीडियो नहीं, पुराने वीडियोस भी शायद आप में से बहुत से बच्चों ने नहीं देखा है. प्लीज़ डू वॉच द वीडियोज़, क्योंकि अब जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी बताया कि अगर आप अभी इन वीडियोज़ को, इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ेंगे, नहीं देखेंगे और नहीं समझेंगे और क्वेश्चन आंसर्स टाइम पे नहीं करेंगे, तो बाद में जाके आपको दिक्कत होगी. बाद में जाके ये सारा बर्डन एक साथ आ जाएगा. तो प्लीज़ जैसे जैसे हम डेली डेली करते हैं, तो उस हिसाब से डेली डेली आप भी पढ़ेंगे, तो आपके लिए बाद में बर्डन नहीं होगा. तो चलो हम चैप्टर की ओर चलते हैं. तो लास्ट टू डेज़ हमने देखा, सबसे फर्स्ट डे हमने देखा, हमने एक बच्चे के बारे में पढ़ा जो अपने पेरेंट्स के साथ जो है फेयर में, मेले में जा रहा है. और मेले में वो जाता है, मेले में जाने के टाइम यानी मेले में पहुंचने से पहले का सब कुछ हमें फर्स्ट डे देखा था कि भाई उसने क्या क्या देखा, है ना. कुछ चार पांच चीज़ें थी, जैसे हमने देखा था कि उसने टॉयज़ के शॉप्स देखे, खिलौने की दुकान देखी, जो तो वो पीछे रह जाता था अपने पेरेंट्स से. फिर वो आगे जाता था, उसके पेरेंट्स उसको दोबारा बुलाते थे. फिर वो आगे थोड़ा आगे पहुंचा तो उसने और क्या देखा, ड्रैगन फ्लाइज देखी, है ना. फिर उसके बाद उसने इंसेक्ट्स देखे. फिर उसके बाद वो थोड़ा और आगे गया तो उसने पेड़ के जो फ्लावर्स देखे और उनको कलेक्ट करने लग गया. तभी उसके अचानक उसकी नज़र किस पे पड़ी, डव्स पे पड़ी, है ना. और ऐसे करके वो गांव के बाहर पहुंचा जहां पे मेला लग रहा है, और वहां पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन सा हो गया है कि क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा भीड़ है वहां पे. तो इतना हमने फर्स्ट डे देखा. सेकेंड डे हम जब आए तो सेकेंड डे हमने देखा कि उसने अब वो मेले में एंटर कर रहा है. तो एंट्री पे ही सबसे पहले उसने क्या देखा, एक स्वीट सेलर यानी मिठाई बेचने वाला जो है, मिठाई बेचने वाले को देखा. और उसके पास बहुत सारी चीज़ें थी. उसको सबसे अच्छी कौन सी मिठाई लगती थी, जो बर्फ़ी थी, है ना. बर्फ़ी उसको सबसे अच्छी लगती थी, मगर उसको पता था उसके पेरेंट्स शायद दिलाएंगे नहीं, इसलिए वो बिना कुछ कहे ही आगे बढ़ जाता है. आगे बढ़ते नेक्स्ट शॉप उसने कहाँ से देखी, फ्लावर्स की देखी. गार्लैंड्स बना रहे थे वो फ्लावर्स की, उनको सबसे अच्छे उसमें से जो फ्लावर्स को पसंद था उसको चाहिए था वो फ्लावर्स, मगर फिर भी उसको पता था कि उसके पेरेंट्स उसको मना कर देंगे, तो फिर वो आगे चल जाता है. फिर उसके बाद वो नेक्स्ट पहुंचता है कहाँ पे, एक बलून बेचने वाले के पास, है ना. रंग बिरंगे अलग अलग रेनबो के कलर के, बहुत सारे कलर के बलून्स वहाँ पे थे. तो उसको चाहिए था रेनबो, चाहिए था वो बलून्स चाहिए थे, मगर फिर भी वो जानता था कि दैट हिज पेरेंट्स विल नॉट अलाउ, और वो कहेंगे कि तुम अभी बच्चे नहीं हो बलून से खेलने के लिए, और इसलिए वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ता है. फिर वो देखता है कि एक स्नेक चार्मर यानी सपेरा जो है, एक स्नेक चार्मर वहाँ बैठा है और वो म्यूज़िक बजा रहा है, और स्नेक जो है उसके हिसाब से स्विंग कर रहा है, या आप कह सकते हैं डांस कर रहा है. वो सुनने की सोच रहा है, उसको वो पसंद था, मगर उसके पैर उसको पता था उसके पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं करेंगे. फिर वो आगे पहुँचा, है ना. अब उसने सबसे लास्ट में क्या देखा, वहाँ पर सबसे लास्ट हमने देखा, उसने देखा था एक राउंड अबाउट एक झूला, है ना. झूला एक, या वाइंड व्हील, या जाइंट व्हील भी हम कहते हैं इनको. तो एक झूला उसने राउंड अबाउट देखा. अब राउंड अबाउट देखा तो वो इस बार अपने आप अपने डिज़ायर को क्या है वो रोक नहीं पाया, और वो अपने पेरेंट्स से क्या कहता है, वो कहता है कि मुझे इस राउंड अबाउट, इस झूले में बैठना ही है. और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है अपने पेरेंट्स का, मतलब आंसर उसको कोई आंसर नहीं मिलता, ना हाँ ना हाँ या ना कुछ भी आंसर नहीं मिलता अपने पेरेंट्स से. तो जैसे ही वो पीछे मुड़ता है अपने पेरेंट्स को ढूंढते हो, तो क्या देखता है, उसके पेरेंट्स वहाँ पे है ही नहीं. अब वो पीछे मुड़ा, आगे देखा, साइड में देखा, यहाँ वहाँ देखा, हर जगह देखने की कोशिश कर रहा है, मगर वो क्या अपने पेरेंट्स को नहीं देख पा रहा है. इसका मतलब वो अपने पेरेंट्स से दूर हो गया है, भटक गया है. तो अब हम आगे देखेंगे अब उसके साथ क्या होता है, ठीक है. अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रॉट एंड विद इन अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड
क्राइंग इन रियल फियर मदर फादर ट्यूर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज हॉट एंड फ्यूज हिज फ्लश्ड फेस वॉज कंसर्व्ड विथ फियर पैनिक स्ट्रिकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट एंड देन टू अदर हिदर एंड थिदर इन ऑल डायरेक्शंस knowing not where to go mother father he wailed his yellow turban came untied and his clothes become muddy फिर क्या हुआ सडनली जैसे उसने देखा अपने पेरेंट्स उसके पेरेंट्स जो है वहाँ से जा चुके हैं है ना या वहाँ है ही नहीं और वो अपने पेरेंट्स को ढूंढ नहीं पा रहा है तो उस टाइम क्या होता है सडनली अ डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थॉट एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड मतलब उसका जो गला जो था वो सूख गया था और एक रोना जो था ना वो रोने लगा बहुत तेज सडनली एक रोने लगा और एक सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी मतलब सडनली भागने लगा यहाँ वहाँ जहाँ पे वो खड़ा था वहाँ पे थोड़ी देर के लिए वो खड़ा रह गया और उसके बाद क्राइंग इन रियल फियर मदर फादर टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज और जहाँ पे वो खड़ा था उस एक डर के मारे है ना एकदम डर वो इतना डर गया था कि उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे और उस डर से वो रोने लगा और चिल्लाने लगा मम्मी पापा करके वो पुकारने लगा हॉट एंड फ्यूर्स हिज फ्लश फेस वॉज कंसर्न्ड विद फियर पैनिक स्ट्रिकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर नीदर थीदर हीदर थीदर इट ऑल डायरेक्शंस नोइंग नॉट टू वेयर टू गो मदर फादर ही वेल्ड हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ बिकम मडी अब वो डर के मारे वो जो पैनिक है ना डर के मारे वो सडनली वो यहाँ वहाँ भागने लगा उसको पता नहीं कहाँ जाना है उसको पता नहीं किधर भागना है कहाँ जाएगा तो कहाँ उसके पेरेंट्स मिलेंगे इसलिए वो हर जगह भागने लगा और सिर्फ वो तेज तेज चिल्ला रहा था मम्मी पापा करके तेज तेज चिल्ला रहा था उसका जो एक टर्बन यानी एक तरह से गमछा हम कह सकते हैं जो गले में लटका रखा था उसने एक येलो कलर का है ना वो कपड़ा कहीं गिर गया खुल के और उसके जो कपड़े थे वो बिल्कुल मिट्टी में गंदे हो गए थे Having run to and fro in rage of running for a while, he stood defeated. His cries surpasses into sobs. At little distance on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people. Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. Having run to and fro in rage, running for a while, he stood defeated. यहाँ वहाँ भागने के बाद वो थक चुका था हार चुका था और वह एक जगह जाके खड़ा हो गया His cry suppressed into sobs. और उसका जो रोना था वो काई में बदल गया था जो हम रोते रोते जब वो थक जाते हैं और फिर उसके बाद वो एक तरीके से सांस फूलने लगती है ना तो वैसा वाला एक स्टेट पे वो आ गया था मतलब उसका रोना सब बंद हो गया था और वो एक तरीके से उसकी सांस फूलने लगी थी वो वैसे वहाँ पे खड़ा हुआ था एट लिटिल डिस्टेंस ऑन ए ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज मेन एंड वुमेन टॉकिंग कुछ जहाँ पे वो खड़ा था उससे कुछ दूर कुछ औरतें मेन एंड वुमेन जो है आदमी और वुमेन जो है वो लोग बातें कर रहे थे वो अपनी आंखों से देखने की कोशिश कर रहा था है ना वो बहुत ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा था कहीं उसके अंदर उसके पेरेंट्स ना दिख जाए मतलब दिख जाए उसको तो वो बहुत देखने की कोशिश कर रहा है मगर उनका कोई नामो निशान वहाँ पे नहीं था वो अपने पेरेंट्स को नहीं ढूंढ पा रहा सिर्फ वो लोग जो थे जो वहाँ पे खड़े होकर बातें कर रहे थे वो हंस रहे थे बातें कर रहे थे मगर उसके पेरेंट्स का कोई नामो निशान नहीं था He ran quickly again, this time to a shrine, to which he seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs. His little sob lingering mother, father near the entrance to the temple. However, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movement. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, Father, mother. A man in the surging crowd heard his cry and, stooping with great difficulty, lifted him up in his arms. He ran quickly again. This time to the shrine. इस बार क्या है वो सीधा भागा कहाँ मंदिर की ओर
जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ थी, टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, उस मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लोग बाग लाइन से धक्का मुक्की देते हुए, एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ रहे थे। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजेस्टेड विद इन, मतलब वहाँ पर पैर रखने की, मतलब कहने का मतलब ये है, पैर रखने की भी वहाँ पर जगह नहीं थी, इतने लोग थे वहाँ पर, है ना। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, मगर वो क्या है, लोगों के पैरों के बीच में से भागता हुआ निकलता हुआ जा रहा था। His little sob lingering mother, father near to the entrance of the temple. और वो ऐसे अपने उस जो उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि वो रो रहा था, तो मम्मी पापा चिल्लाते हुए क्या है, अपने उन लोगों के पैरों के बीच में से निकल निकल के जाने की कोशिश कर रहा था। Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust away between their feet, but not to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot had he not shrieked at his high pitch of his voice. अब क्या हुआ, वो जैसे उनके बीच में से ऐसे जाने की कोशिश कर रहा था, तो इतने लोग बाग, इतनी भीड़ थी वहाँ पे, बड़े बड़े लोग थे वहाँ पे जिनकी आंखें बहुत डरावनी थी, बहुत बड़े बड़े शोल्डर्स थे, है ना, मतलब मेन बहुत बड़े बड़े थे, और वो क्या है, उनके लात खा रहा था, लोग बाग उसको धक्का मार रहे थे, वो तेज तेज चिल्लाने लगा, फादर और मदर करके तेज तेज चिल्लाने लगा। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स। एक आदमी ने उसकी आवाज़ सुनी, जब वो तेज चिल्लाया ना अपने मम्मी पापा के नाम पुकारता, मम्मी पापा का, जब वो तेज चिल्लाया तो एक आदमी जो था वहाँ पे खड़ा था और उसने उसको देखा और बड़ी डिफ़िकल्टी से, मतलब बहुत परेशानी से क्या किया, उसको अपने हाथों में उठा लिया। तो एक आदमी ने उसको उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज़ बेबी आर यू, द मैन आस्क्ड एज ही स्टूड क्लियर हिज मास ऑफ द मास। द चाइल्ड केप्ट मोर बिटर वेप्ट मोर बिटरली दैन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड आई वॉन्ट माई मदर आई वॉन्ट माई फादर। और उसने उस आदमी ने क्या किया, इस बच्चे को उठाया और जैसे तैसे करके उस भीड़ में से बाहर निकला और उससे पूछने लगा कि तुम किसके बेटे हो, किसके बच्चे हो, तुम कहाँ से आए हो, ऐसे करके वो पूछने लगा। मगर वो बच्चा क्या है, और तेज तेज चिल्लाने रोने लगा, वो सिर्फ इतना ही कह रहा था, आई वॉन्ट माई मदर आई वॉन्ट माई फादर, मुझे सिर्फ मेरी मम्मी और मेरे पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग। द चाइल्ड थ्रोट टोर इन टू थाउजेंड श्रिल सॉब्स एंड ही ओनली शाउटेड आई वॉन्ट माई मदर आई वॉन्ट माई फादर। तो वो उसको चुप कराने के लिए, उसको शांत करने के लिए जो आदमी था वो उस बच्चे को लेके उस राउंड अबाउट मतलब दो तरीके के राउंड अबाउट होते हैं, आपने देखा होगा, एक तो जाइंट व्हील होता है जो ऊपर की तरफ घूमता है और एक होता है जो नीचे ही घूमता है ना, जैसे कि जिसमें घोड़े हाथी वगैरह होते हैं, वैसा एक राउंड अबाउट होता है, राइट। तो वो आदमी क्या है, जो आदमी उसको चुप कराने के, उसको शांत करने के लिए उस राउंड अबाउट के पास लेके जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें उस घोड़े पे बैठना है, क्या उसकी राइड करनी है तुम्हें। मगर वो क्या है, वो बच्चा और तेज तेज चिल्लाने लगता है, और तेज तेज रोने लगता है, वो सिर्फ इतना ही कहता है कि उसको 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 सिर्फ मम्मी और पापा चाहिए। नाउ बाय दिस यू कैन अंडरस्टैंड, कि एक बात तो आपको पता चल गया कि राउंड अबाउट लास्ट जगह थी जहाँ पे उसने अपने मम्मी पापा को खोया था, है ना, तो वो राउंड अबाउट में बैठना चाहता था, मगर अब वो बैठना नहीं चाहता क्योंकि सिर्फ उसको मम्मी पापा चाहिए। द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन ए फ्लूट टू द स्वेइंग कोबरा। लिसन टू द नाइस म्यूजिक चाइल्ड ही प्लीडेड, बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेन आई वॉन्ट मदर आई वॉन्ट फादर। देन द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, rethinking the bright colors of the balloon would distract the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow colored balloon, he persistently asked. The child turned his eyes from the flying balloons and stood sobbed, I want my mother, I want my father. uske baad kya hai, round about us jhule ke baad wo aadmi usko kahan leke gaya, us सपेरे के पास लेके गया। वो अभी भी बैठ के वहाँ पे बीन बजा रहा था, फ्लूट बजा रहा था, उस टाइम पे जाके उस बच्चे से उसने पूछा, क्या तुम्हें वो सुनना है, वो म्यूज़िक सुनना है, देखो वो कैसे म्यूज़िक बजा रहा है ना, वो कोबरा कैसे डांस कर रहा है, देखो उसको दिखा, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो। मगर वो बच्चा क्या है, और तेज़ तेज़ चिल्लाने लगा, वो सिर्फ इतना ही कह रहा था, मुझे क्या चाहिए, मेरे मम्मी पापा चाहिए। फिर उसके बाद कहाँ लेके जाता है, वो बलून के वाले पास, जो बलून बेच रहा था
है ना, उस बलून वाले के पास लेके जाता है और वो बोलता है क्या तुम्हें रेनबो पसंद है, तुम्हें ये वाला कलर वाला बलून चाहिए। उस आदमी ने सोचा होगा शायद कलर देख के बलून देख के ये बच्चा जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ी देर के लिए वो भूल जाएगा। मगर जैसे ही वो बलून के पास गया तो उसने क्या, और वापस से वो बोलने लगा मुझे सिर्फ मेरी मम्मी पापा चाहिए और कोई नहीं चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट। लुक कैन यू स्मेल दोस नाइस फ्लावर चाइल्ड, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक। अब जो वो आदमी है वो अभी भी ट्राई कर रहा है कि कैसे ना कैसे इस बच्चे को शांत करे या खुश करे, इसलिए वो क्या है उस एंट्रेंस में दोबारा लेके आया और वहाँ पे जहाँ पे जो फ्लावर जो फूल बेच रहा था, जो फूल के माला बना के बेच रहे थे, वहाँ लेके आया और उस बच्चे से पूछता है देखो बेटा इसकी कितनी अच्छी खुशबू है, सूंघ के देखो, क्या तुम्हें एक फूल चाहिए, एक माला चाहिए ताकि तुम अपने गले में डाल सको। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रीटेड हिज सोप, आई वॉन्ट माई फादर आई वॉन्ट माई मदर। मगर जो बच्चा है वो उस फूल से अपने मुँह को दूर करके बोलता है कि मुझे सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसोलेट चार्ज बाई ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। वट स्वीट वुड यू लाइक टू लाइक चाइल्ड, ही आज द चाइल्ड टर्न अवे हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉब्ड आई वॉन्ट माई मदर आई वॉन्ट माई फादर। और ये सोच के कि अब चलो इसको कुछ दिला देते हैं, इसको कुछ दिला देंगे तो शायद ये चुप हो जाएगा या खुश हो जाएगा, तो इसलिए वो क्या है लेके जाता है कि उस मिठाई वाले के पास लेके जाता है और उससे पूछता है तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है। मगर उस मिठाई वाले के पास पहुँचते ही उस बच्चे ने क्या किया, अपना मुँह को फेर लिया और सिर्फ इतना ही कहता रहा कि उसको उसकी मम्मी पापा चाहिए। नो जब आपने अभी देखा होगा तो अब जब हम ऊपर से देखते हैं तो ये वो सारी चीज़ें, यानी वो आदमी जो उसको खुश करने की कोशिश कर रहा है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो जो वो पहले चाहता था, राइट। वो राउंड अबाउट में जाना चाहता था, उसको बलून चाहिए था, उसको वो स्नेक चार्मर का साउंड सुनना था, उसको फूल चाहिए थे, उसको मिठाई चाहिए थी, ये सब वो चीज़ें हैं जो वो हमेशा चाहता था। मगर जैसे ही उसके पेरेंट्स नहीं रहे, जैसे उसके पेरेंट्स गुम गए या वो गुम गया है ना, वो भटक गया, और जब दूसरा आदमी आता है उसके पास तो दूसरा आदमी उससे जब पूछता है कि तुम्हें ये चाहिए क्या, तो उस टाइम वो क्या बोलता है, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए, ठीक है, सिर्फ इतना ही वो बोलता है। ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ कि जब एक आदमी उसको दिलाने की कोशिश कर रहा है, जब वो कह रहा है कि मैं तुम्हें ये सारी चीज़ दिलाऊंगा, तो उस टाइम पे क्यों वो कहता है कि मुझे सिर्फ मेरे मम्मी पापा चाहिए, क्यों, क्योंकि वो जानता है कि उसके मम्मी पापा इन सब चीज़ों से बढ़कर है। कई बार हम भी सोचते हैं कि हमें पेरेंट्स प्यार नहीं करते या हमें ये दिला नहीं रहे वो नहीं है, मगर हमें पता है कई बार हम कभी कभार हम जो अननेसेसरी जो चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों के लिए बोलते हैं, इसलिए शायद पेरेंट्स हमें मना कर देते हैं। उस टाइम पर हमें समझ में नहीं आता, मगर बाद में हमें वो ज़रूर समझ में आता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि वो बच्चा शायद पहले अपने पेरेंट्स की इतनी रेस्पेक्ट नहीं करता था, मगर जब वो उसको लगा कि वो खो गया है तब उसको पता चला कि वो अपने पेरेंट्स से कितना प्यार करता है, इसलिए अब उसको सारी चीज़ें चाहिए ही नहीं। जो चीज़ें उसको पहले चाहिए थी वो चीज़ें उसको अब नहीं चाहिए, उसको सिर्फ उसके पेरेंट्स चाहिए, राइट। तो वो एक स्टोरी यहाँ पर मुकुल राज आनंद ने लिखी है जो हमें बताती है कि एज अ चाइल्ड है ना, एज अ चाइल्ड हम क्या क्या करते हैं, मगर हमें अपने पेरेंट्स से कितना प्यार करना चाहिए, कितना उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो क्वेश्चन आंसर देखेंगे, 5 क्वेश्चन आंसर है इसके अंदर सिर्फ। देखो क्या कहते हैं इसमें, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन द वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। कौन कौन सी चीज़ उस बच्चे ने जब वो फेयर में जा रहा था तो रास्ते में कौन सी चीज़ देखी और वो क्यों पीछे रह गया था, कौन कौन सी चीज़ देखी थी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में कर रहा था और यही चीज़ हमने फर्स्ट डे भी पढ़ा था, कौन कौन सी चीज़ देखी थी उसने। सबसे पहले उसने एक टॉयज़ की शॉप देखी थी, उसने जैसे आपने फिर पढ़ा ड्रैगन फ्लाइज देखा, इंसेक्ट्स देखा, फ्लावर्स देखे और डव देखा, राइट। सेकेंड क्वेश्चन क्या है इसका, इन द फेयर ही वॉन्ट्स मैनी थिंग्स, What are they? Why does he move on without waiting for an answer? जब वो मेले में घुसा तो उसको बहुत सारी चीज़ चाहिए थी, है ना, वो कौन कौन सी है, और बिना किसी आंसर के अपने मम्मी पापा बिना किसी आंसर के वो क्यों चला जाता है। तो पहले तो उसने क्या क्या देखा, देखो फेयर के अंदर उसको क्या क्या चाहिए थी, वो सबसे पहले मिठाई चाहता था,
फ्लावर्स के गार्लैंड यानी माला चाहता था, उसके बाद वो बलून चाहता था, फिर वो स्नेक चार्मर का म्यूज़िक सुनना चाहता था, और लास्ट में राउंड ओवर उस झूले में बैठना चाहता था। वाई डस ही मूव विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, क्यों बिना आंसर के वो आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसको पता था उसके पेरेंट्स उसको नहीं दिलाएंगे। वेन डस ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे, हाउ हैव दिस एंग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब, कब उसको पता चलता है कि वो घूम चुका है, तो कब पता चलता है, जब वो राउंड अबाउट के वहाँ पे पहुँचता है, जब वो झूले के वहाँ पहुँचता है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तब पता चलता है वो घूम चुका है। हाउ हैव हिज एंग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब, उसका जो वो क्राय था, वो रोना था, वो कैसे बताया, वो डर कैसे बताया गया, आपको पता है वो डर जाता है, वो यहाँ वहाँ भागता है, अपने पेरेंट्स को ढूंढता है, चिल्लाता है, रोता है, वो सारी चीज़ें इसमें आप लिख सकते हैं। वाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वॉन्टेड अर्लियर, क्यों इस बच्चे का जो है वो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है उन चीज़ों में जिनको ये पहले चाहता था। कौन सी चीज़ें थी? वो सारी चीज़ें वो आदमी दिलाना चाहता था, दूसरा आदमी, मगर वो लेना ही नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए। वाट डू यू थिंक हैपन इन द एंड, डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स, आपको क्या लगता है कि लास्ट में क्या हुआ होगा, क्या उसको अपने पेरेंट्स मिले हैं, क्या मिले हैं नहीं मिले, वो आपकी कहानी, ठीक है, वो आपको लिखना है, ये वाला आंसर आपको लिखना है, ठीक है, अपने आप बनाना है, अपने अपने आंसर बनाओ आप आराम से, कि आपको क्या लगता है, क्या उसको मिले होंगे, अगर मिले होंगे तो क्या कहानी बनाओ, नहीं मिले तो आपकी कहानी आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन है, इसका आंसर, क्वेश्चन आंसर आज इस वीडियो के साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको नोटबुक में करने हैं। तो जिन्होंने नोटबुक बनाई है, इसकी नोटबुक बनाई है, वो हाफ ऑफ करके बना सकते हैं, है ना, एक ही कॉपी के अंदर। अभी अगर आपके पास कॉपियाँ हैं तो आप दूसरी कॉपी बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप हाफ ऑफ करके बना सकते हैं, ठीक है। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बी सेफ, स्टे एट होम, रीड एंड कंप्लीट योर होमवर्क, टिल देन बाय बाय।